अगर एक तो कर पाबो तो बताबो। अच्छा हाँ, अब ऐसो करो कत्तो खैर हम नहीं पाए अपने हर्ष, लेकिन तुम अगर बना दियो। अच्छा नानो मतलब मनियो नहीं। देखो भाई चले अब जरूर भैया नहीं माने। मैं पार्वती अपनी साड़ी निकालना है, पेटीकोट निकालना है, ब्लाउज निकालना है। अब भैया पेटीकोट जब पहनाओ तब वो भोले बाबा के परियन के ऊपर पहुंची गो काय के मारे। कहाँ भैया पार्वती और कहाँ पार्वता। अब साड़ी पहनाई, साड़ी को पल्ला डाल रही हैं। जब मुँह झांकन को चली तो जब मुड़ से पल्ला डारो आगे आए के देखो तो भोले बाबा को दड़ेल्ला खुली गो। जब दड़ेल्ला जापो पीछे गई तो का देखो भोले बाबा को पिठिल्ला खुली गो। मैया को एकदम बड़ी गुस्सा आई, भोले बाबा की दाढ़ी रही खूब अमेठी और ठोड़ी में चपकाई दे। ध्यान रखियो अब कितना। अब सुनो जैसे नाई गौ नैया बहु आउत नई नई बहु नहीं आउत है तो धीरे धीरे छम 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 पाई धरत है। सही से पाई धरियो नहीं आदमी नहीं कैसे धमा धमर पाई धरन लगो। ना सो नहीं धरे खैर बता दियो भूल जाए तो। हाँ हाँ बता दिए। अब भैया आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे पार्वता चल दे। यमुना किनारे पहुंचे, दो सखियां अपने डंडों को लिए खड़ी थी। पार्वती गई भैया डंडा हटाई ले काई बे तो रोज आती जाती थी। और जैसे ही पार्वती पहुंचे उसको डंडा। अब जब भीतर से का कहते आन दो आन दो आन दो आन दो। गोपी कान लगी आन तो दिए पहले जा बताओ जे है कौन है। कई पार्वती है पहले जा बताओ जे है कौन। जे हाँ जे हमारी मौसी की बिटिया है। ओ पार्वती हाँ। तुम्हारी मौसी की बिटिया फिर जे मुंह कहे को झांकी है। तुम्हें नहीं मालूम नौ नौ ब्याह भाव ट्रेनिंग लग रही है मुंह झकवे की ना। आजकल झकती कहाँ है आजकल उड़निया लोलक कर देती। अच्छा हाँ। ओ पार्वती बोलो का बता। मैं हमें कछु अरे कोई शंका है का। आहा अरे क्या शंका है बताओ बता। मैं हाँ बताओ बिल्कुल बताओ सुनो हाँ। अरे तेरे पीछे बहन है गाना बताए दे सखी पार्वती। बोलो देखो तुम्हारे गोरे गोरे हाथ हाँ हाँ और तुम चूड़ी पहने कितने नीके लगत है। ठीक और जो तुम्हारी मौसी की बिटिया इतनी करिया काय का। अरे फिर वही बात कर दे करिया काय को। जब मालूम तुम्हें जे बिचारी भैंसाएं रखती हैं बम्बा किनारे की लान वाली ठीक है तो ताशे करिया परी चार वालों कत्ते राते कोई घरे कन्न वालों है ना ही। ओ पार्वती है तो जे इतनी मोटी काय को। अरे मोटी काय है कि भाई सब दूध ठड़ा पीती खाते पीते घर की है मजा काय का। अच्छा है अरे पाहना से लगा तमारा तानी बतलाए दे सकी बताओ। सखी सुनी ले बेस सयानी बोलो ना साड़ी से लगत जानी सच
चलो दे तैयारी सारी जगत जलाई। ओ पार्वती बोलो, देखो तुम पेटीकोट पहने हो है ठीक, और तुम्हारे पेटीकोट की झालर नीचे दिखाई दे रही है। हाँ हाँ। अब काजे तुम्हारी मौसी की बिटिया पेटीकोट नहीं पहने है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, खड़गापुर के टेलर है, खड़गापुर के ठीक, तो उन्हें नई नई सिलाई सीखी। अच्छा। और उन्हें ना बुनाई सही नहीं पाओ और कोई बात नहीं। अच्छा, दास ऊंचा हो गया। अच्छा हाँ, पता लगाए गए था कंट। अरे साया चला गया तुम्हारा रानी पता पार्वती। और बता मैं और कोई शंका सखी सुनी ले पार्वती। अभी से आगे कछु ना पूछिए, खाली तुम अपनी मौसी की बिटिया को नेक चलाए के दिखाई दे जो चलती कैसे है। तो मैं नहीं मालूम, मैं शर्माती है चलवे में। नेक नेक चलाए दे, नेक नेक दिखिए कैसे चलती है। अरे चलो तुम आओ, नेक चलाए दे, नेक चलाए दे, चलिया बिटिया। भैया जैसे चलवे तब भोले बाबा आदमी कैसे धमर धमर पाए। अब गोपी का कात, अरे चली बे से लगा तुम्हारा दानी बताए दे सकी। अरे चली बे से लगा तुम्हारा दानी बताए दे सकी। एक गोपी बामत ने होशियार राय बादेरस से घूम गई और बाने भोले बाबा को पल्ला पकड़ खींच दो। जैसे ही पल्ला खींचो तो भोले बाबा को दड़ेला चमकन लगो। अब खान लगे कह पार्वती जय तुम्हारी मौसी की बिटिया आती भगवान कन्हैया को पता लगा बाग करके दरवाजे पर आए। गोपिकाओं से बोले गोपिकाओं, अरे तुमने गजब कर दिया, किसी ने आने के लिए स्त्री का वेश धारण किया और तुमने अंदर नहीं आने दिया। भोले बाबा को अंदर ले गए, स्नान करवाया, दोबारा श्रृंगार करवाया, राज क्रीडा की। यहाँ पर मेरे भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की। लगातार भक्तों 6 महीने तक राज क्रीडा होती रही। एक दिन राधा रानी को घमंड हो गया कि भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं और गोपिकाओं को कम। वो अंतर्यामी सब कुछ समझ गए, अंतर ध्यान हो गए। जब ज्यादा सभी को परेशान देखा, बाद में आए सारी गोपिकाओं को अपने अपने घर भेज दिया, राधा रानी को लेकर के चलने लगे इधर। थोड़ा आगे निकल पाए थे तो राधा रानी भगवान कन्हैया से कहने, ओ कन्हैया हमारे पाए दर्द करने लगे हैं, आयुषो करो कोई सवारी हो तो मैं बैठा लियो। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो राधे रात में का सवारी है, और तुम अगर ना मानती हमारी अगर कंधा बैठी बचाओ तो भैया बैठ लियो। कहने लगी बैठा लियो। कह देखो अगर बराबर जगह में तुम्हें बैठाते तो लेके चलियो नहीं पाइए, उठी नहीं पाइए। ऐसो करो हम एक गड्ढा में ठाड़े हुई जाएं और तुम ऊंचे टिल्ला पे ठाड़ी हुई जाओ, तुम बैठ ही जाओ फिर हम तुम्हें ले चले। ये क्यों कहा कि त्रेता में भगवान राम ने कामदेव से ये कहा था कि अभी तो मेरी एक पत्नी है और द्वापर मेरी हजारों रानियां होंगी, तब आकर के तू हमें अजमा लेना। कामदेव आगे खड़ा है, विचार करता है कि राधा रानी का अंगूठा
कन्हैया के बखौरे में छू जाए, जानो मैंने श्याम को जीत लिया। हुआ क्या, बैठने के लिए मैया ने अपना पैर बढ़ाया। अरे अंतर ध्यान भाए बनबारी, जैसा मुंह लेकर के आया था वैसा मुंह लेकर के वापस चला गया। भगवान कन्हैया दोबारा आए, राधा रानी को साथ में लिया, अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, अरे राजन परीक्षित, अब आपको आगे लेकर के चल रहे हैं कि मेरे प्रभु ने मामा कंस का वध कैसे किया। एक बार की भक्तों बात रहे कि कंस राज उदासीन अवस्था में बैठे हुए थे। नारद जी गए, वैसे तो कंस संत महात्माओं से बड़ा बैर रखता था, लेकिन नारद जी से बहुत हित रखता था। नारद जी को देखा तो नारद जी पूछने, क्या बात है राजन, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, अगर तबीयत ना ठीक हो तो किसी वैद्य से दवा ले लो, और कोई बात हो तो हमें बताओ। बोले महात्मन, तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे काल बुक्कैशन बलराम नहीं मर रहे हैं, क्योंकि ऋषिवर मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी कहने लगे, बस इतनी सी बात, अरे मैं तुम्हें उपाय बताऊं, वो कार्य करो। बोले बताओ, कि आप अपने घर में धनुष यज्ञ रचो, उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को बुलाओ, पत्री भेजो, उसमें ये लिखना कि सारे ब्रजवासियों का आना जरूरी है, जिसमें कृष्ण और बलराम का आना बहुत जरूरी है, ये काल तुम अक्रूर को करने के लिए भेजना। पत्री लिखी, अक्रूर को बुलाया कि जाओ इस पत्री को लेकर के तुम ब्रज में चले जाओ। अक्रूर ने मना भी किया कि हे राजन, क्यों अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हो, बहुत मना किया, लेकिन भक्त कंसराज नहीं माना, हाथ में पत्री ली लेकर के चल दिए। रास्ते में जाते हैं, कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आ रहा हूँ। कंसराज के बीच में रहते रहते श्याम मेरा जी उब गया है, अगर कंस कहता है कि अक्रूर ये आग नहीं बबूल है तो मुझे कहना पड़ता जी हजूर आग नहीं बबूल है, अगर वो कहता है कि अक्रूर ये गाय नहीं भैंस है तो मुझे कहना पड़ता है कि जी हजूर ये गाय नहीं भैंस है। नाना प्रकार के विचार करते हुए भक्तों आज नंद बाबा के दरवाजे पहुंचे। आपने देखा, सुंदर आसन डाल दिया, बिठा लिया, भगवान कन्हैया गायों को चरा करके आए तो अपने चाचा को देखा, कहने के और कहिए चाचा सब कुशल हैं, मेरे मामा कैसे हैं। बोले श्याम, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन हाँ कन्हैया इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा समय ना लगाओ, उस पापी का नाश कर दो और मथुरा का राज संभालो। भगवान कन्हैया कहने लगे, चिंता ना करो। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए, मैया यशोदा ने जाना, रथ के पास आ गई, अपने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और कहने लगी, श्याम मैंने अपने बेटा को इतने दिन तक छुपा करके रखा, मन
और ये अभी अभी हमारे भैया श्री मंजेश राजपूत नवादा। इसमें मंजेश ही लिखा, यही नाम बता के गई है ना। हाँ यही बता के गई। परमात्मा से कामना करते हैं कि जो हमारे बहन ने भरी सभा में मेरा सम्मान किया, मान बढ़ाया, तो हे राधा रानी, हे मैया भवानी, मेरी बहन की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान इनके सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें। लंबी आई हो परमात्मा, हमारी बहन को सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये 50 रुपए हमारे भैया श्री मंगूलाल नवादा, परमात्मा हमारे भैया जी का कल्याण करें। भक्तो, मैया यशोदा आ गई और कहने लगी, बेटा श्याम, मैंने अपने बेटा को इतने दिन तक छुपा करके रखा, बचा करके रखा, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे बेटा को आज बुला ही दिया। तुम
मैया कहने के मैया अरे क्यों चिंता कर रही हो, मामा के यहाँ यज्ञ है, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। अपनी मैया को समझाया, समझा ही रहे थे, गोपिकाओं ने जाना, राधा रानी ने जाना, रथ के पास आ गई, बोली श्याम ये रथ का पहिया मेरे ऊपर चढ़ा दो और रथ को लिए चले जाओ। राधा रानी कहली कन्हैया अगर तुम्हें इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया। भगवान कहने लगे अरे गोपिका क्यों चिंता कर रही हो, अली भर की तो बात है, परसों तो वापस आ ही जाऊंगा। राधा रानी कहने लगी कन्हैया ना।
भगवान ने भक्त सभी गोपिकाओं को समझाया। समझाने के बाद अपने चाचा के साथ आज मथुरा नगरी के लिए चले। ग्वाल बाल बलराम भैया नंद बाबा भगवान कन्हैया सभी लोग जा रहे हैं। चलते चलते जब मथुरा नगरी किनारे पहुंचे तो नंद बाबा कहने के बेटा रात यहीं कहीं बिताई जाए, सुबह चलेंगे। भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया से कहने लगे, ओ भैया बाबा से आज्ञा ले लो तो मथुरा नगरिया घूमे आवा चले। बलदाऊ भैया कहने लगे, ओ बाबा कन्हैया की इच्छा है मथुरा नगरिया घूमे आवा। तो नंद बाबा कहने लगे, चले तो जाओ लेकिन देखे रहियो रास्ता में छेड़खानी ना कर दे, काहे नटखट है। सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया, आज मथुरा नगरिया घूमने जा रहे हैं। मनसुखा भगवान कन्हैया से कहता, कन्हैया देख ले कि जा है मथुरा नगरिया तू देख को। सबसे पहले कौन मिला? कंस का धोबी। ओके मदिरा पान किए है भगवान कन्हैया पास में गए, कहने गए भैया, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? तुमको दिखाई नहीं देता है कहाँ जा रहे हैं भैया? हाँ। इस पोटली में क्या है? कपड़े। किसके? ये राजा के कपड़े हैं। लाओ जरा दे दो, हम भी पहन के देख ले। तुम्हें पहनने को कपड़े? तुमको कपड़े नहीं देंगे। क्यों? धोबी कहने लगा, भगवान कन्हैया बोले, मैं मामा का भांजा हूँ। तो धोबी हो पड़ी हो के पसने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा जी। Thank you.
कपड़े निकाले पहने क्या जाने कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कभी पहने तो है नहीं। अरे जामे का पाजामा माना बड़े भगवान को दर्जी मिला, दर्जी ने सबके कपड़े उतरवाए फिट किए दोबारा पहनाए, मेरे प्रभु ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े माली मिला, माली ने सबको माला पहनाई, मेरे प्रभु ने माली को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े जो रोज सुबह कंस के तिलक करने जाती थी, तीन जगह से टेढ़ी थी, आज कुबीजा मिली। भगवान कन्हैया पास में गए और बोले सुंदरी कहाँ जा रही हो? मनसुखा बलदाऊ भैया से कहने लगो भैया जाके छुए चना नहीं चबे जाए ताकि कन्हैया सुंदरी कहत है। भगवान कन्हैया ने सुन लिया, बोले मनसुख क्या कह रहे हो कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। मनसुख भैया प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो भगवान कन्हैया कहने आप मेरे तिलक कर दोगी? बोली हाँ तो कर दो। तिलक करने के लिए हाथ ऊपर कर रही है, प्रभु के माथे तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे प्रभु ने क्या किया, अपना पैर कुबजा के अंगूठे से लगाया, हाथ ठोड़ी से लगाया, तीन झटके मारे, कुबजा देवी के समान हो गई। बोला बाके बिहारी लाल की सबके तिलक करो। और जब बाद में मनसुखा तीर पहुंची, अब मनसुखा का कहा था तुम्हारी शादी हो गई? कुबजा कहने की क्या कह रहे मनसुख शादी हो गई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम्हारी फूट गई है? कि सुन करके मनसुखा की बाड़ी और कुछ प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, और मनसुखा तुम्हारी का फूट गई मेरे पिया सामने ठाके। मामा ने कुबलिया पीड़ हाथी लगवाया था, बलदाऊ भैया ने कहा भैया इसे हटा लो हमें अंदर जाना है, मना किया तो हाथी के दोनों दांत निकाले और पेट में छेद दिए। आगे बढ़े मामा कंस ने जहां धनुष रखा था भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया।
और ये 101 रुपए हमारे भैया श्री सुशील कुमार राजपूत रमनगरा और 101 रुपए हमारे भैया श्री दिलीप कुमार सक्सेना मथवापुर मंधवापुर कमेठी और 101 रुपए हमारे भैया श्री सुशील कुमार राजपूत रमनगरा जैसा लिखा वैसे ही तो पढ़ेंगे। और ये हमारे भैया श्री पूरन सिंह राजपूत नवादा इन भैया जी ने 21-21 रुपए सभी को प्रदत्त किए हैं। परमात्मा से ये विनय करते हैं कि हमारे भक्तों को सदा सुख शांति प्रदान करें। आगे बढ़े भक्तों, जहाँ पर कंस ने पहलवानों को लगवाया था, मेरे प्रभु ने सबके साथ युद्ध किया, एक एक करके सभी को मार दिया। कंस राज गद्दी पर बैठे थे, उछले केशव को पकड़ा और जमीन पर गिरा लिया, छाती पर बैठ गए, बोले याद कर ले मामा, वही मैया का आठवां लाल हो जिसको केशव को पकड़ के जमीन पर गिरा लिया था। और तू कहता है कि देवता झूठ बोलते, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। अरे श्याम अवतार हुआ मामा जी तेरे, तीन से दो
पहले ये नाबो भैया इधर आओ। हाँ 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 देख ले तुम मान लियो कि नहीं। हम देख ले तुम मान लियो कि नहीं।